फॉगवेन Asset प्लस स्मार्ट सी एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बनाया गया है मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए फॉगवेन Asset प्लस यूज़ करके आप अपने इंडस्ट्रीज़ फैसिलिटीज़ या फिर फैक्ट्रीज़ में एसेट मेंटेनेंस और एसेट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं कुछ यूजेस एसेट प्लस के जैसे कि आप अपने एसेट का डाउन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं एसेट की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स एंड इंजीनियर की इम्प्रूव कर सकते हैं सो so, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फॉगन एसेट प्लस में हॉलीडे फंक्शनैलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको लेफ़्ट मेन्यू आइटम में सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में हॉलीडे के ऊपर क्लिक करना होगा हॉलीडे के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा जो है पेज नज़र आएगा ना हॉलीडे फंक्शनैलिटी में अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन uh, फैक्ट्री या फिर फैसिलिटी में uh, कोई एक दिन छुट्टी uh, का है तो उस छुट्टी को अगर आपने यहाँ पर एंटर कर लिया तो उस दिन पे कोई भी वर्क ऑर्डर जो है वो क्रिएट uh, नहीं होंगे तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी uh, एक पर्टिकुलर प्लांट को सिलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर हॉलीडे के लिए आ, अगर मैं जो है ये हॉलीडे डेट पकड़ता हूँ और हॉलीडे का ड्यूरेशन भी जो है अगर आप इंटायर डे के लिए आ, करना चाहते हैं हॉलीडे या फिर पार्शल डे के लिए जो है हॉलीडे लागू है तो उस हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप पार्शल डे के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आप, आपको शिफ्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं इंटायर डे के लिए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं नाम देता हूँ हॉलीडे का तो अगर आपने जो है अगर ये हॉलीडे यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है बकरी ईद का तो जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के वर्क ऑर्डर जो है वो इस दिन अगर स्केड्यूल है तो वो इस दिन क्रिएट नहीं होंगे बल्कि एक दिन आगे जो है उस दिन के दरमियान वो क्रिएट होंगे सो so इसी तरीके से आप हॉलीडे मॉड्यूल को यूज़ करके आपके कंपनी या फिर फैक्ट्री में जो है प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और उसकी इफ़िशेंसी बढ़ा सकते हैं और मेक श्योर कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ में लैप ना हो